हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का उम्मीद से स्वागत है। उम्मीद में दोस्तों, हम सभी को ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ग्रीन कलर देखना, प्लांट्स लगाना, पौधे लगाना किसको पसंद नहीं है। मैक्सिमम लोगों को पसंद है, बट आजकल मैक्सिमम लोगों के पास बड़ा घर या बड़ा गार्डन होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि सभी को पता है आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, लोग फ्लैट्स में जाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है। और हम क्या करते हैं, अपने बालकनी में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में प्लांट्स लाते हैं, लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि कौन सा प्लांट अच्छा है या कौन सा प्लांट बुरा है, किसका वास्तु का नेगेटिव असर आ सकता है हमारे घर पे, बस हम लगा देते हैं। सो मैं आज सभी को कुछ ऐसे पौधे या प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ ना, जिनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर आपको देखने को मिलेगा अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो। और कुछ ऐसे पौधे यानी कि प्लांट्स भी बताऊंगी जो कि आप ना लगाए तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो लगाने से आपके घर के एयर बहुत ज़्यादा प्योरीफाई हो जाएगा, वो है एरिका पाम। आप एरिका पाम प्लांट्स को लाइए, अपने घर पर लगाइए, ये बहुत ज़्यादा एयर को प्योरीफाई करता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लांट है। सेकेंड है बोस्टन फर्न। ये क्या करता है, ये भी बहुत ज़्यादा एयर को प्योरीफाई करता है, इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है मदर इन लॉ टंग, यानी कि इसके नाम की जैसे इसकी पत्तियाँ भी ना बहुत लंबी लंबी होती है, और आप इसे लगाएंगे ना, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव प्लांट है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जेट प्लांट। जेट प्लांट लगाने से आपके मनी की जो नेगेटिविटीज है वो स्लोली स्लोली ओपन होने लगती है, यानी कि नेगेटिविटी जाने लगती है और पॉजिटिव रास्ते आपके लिए खुलने लगते हैं। आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, पर जब आप जेड और मनी प्लांट लगाएं ना, तो इन बातों का खासकर ख्याल रखना कि उन्हें मुरझाने नहीं देना है, वो प्लांट सूखे ना। वैसे तो किसी भी प्लांट को आपको मुरझाना देना नहीं चाहिए, सूखने देना नहीं चाहिए, बट इन दो प्लांट के लिए आपको स्पेशली ये ख्याल रखना है। और कौन से प्लांट आप अपने घर पे ना रखें, तो वो है डाइंग प्लांट। अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, तो उन्हें निकाल दीजिए, उनके जगह कोई नए प्लांट लगाइए। और सेकेंड है स्पाइकी प्लांट्स। स्पाइकी प्लांट्स मीन्स कैक्टस। इन्हें तो हमेशा अपने घर से दूर रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा वास्टो डिफेक्ट क्रिएट करती है। सो उम्मीद है ये छोटे से इन्फो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।